हेलो, इट्स मी फरीन बताइए। सो आज हम एकदम यूनिक डिज़ाइन और सिंपल सा ड्रॉ करेंगे। और सिंपल सा ड्रॉ करने में भी आपका पूरा हाथ भरा भरा दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, तो आने वाली हर वीडियो आप तक पहले ज़रूर पहुंचेगी। बेल आइकन को भी ज़रूर से क्लिक कर देना। सबसे पहले हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे। हमेशा याद रखना कि आप जब लाइन ड्रॉ करें तो आप याद रखिए, लाइन लेने के बाद आपको कौन को उचक लेना है, ऐसे में देख सकते हो आप। फिर हम यहाँ पे फिलिंग्स लेंगे छोटी छोटी। अभी अगर आप बिगनर्स हो, नए हो, नए नए स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे ट्राई करें। ऐसा ड्रॉ लाइन ड्रॉ करके फिर ड्रॉ प्रेस करके देखो, ऐसे प्रेस एंड फिर ऐसा डन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ये हो जाने के बाद हम सॉरी कौन को उचक के हम अंदर की तरफ ले जाना है। देख सकते हो मैंने कैसे लिया है। कभी कभी ना है ना कोन थोड़े पतले से आ जाते हैं, जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली होती है। छोटे छोटे ही लेना है, तो कोन की नोक भी हमें वो हिसाब से ही काटनी है। देख सकते हो। चलो अब हम सर्कल लिया, देख सकते हो मैं क्या कर रही हूँ। गॉट इट। ऐसे ही हम पूरे में, इसको अखत्री बोलते हैं, ऐसा करेंगे पूरे में। देख सकते हो आप। हमेशा ये लीव्स लेने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या करें, ऐसे लेके ऐसे करें। समझ में आया आप लीव्स कैसे लेंगे? ओके, फिर इसके ऊपर छोटा सा सर्कल बनाएंगे।
देखिए ऐसे याद रखे, छोटी छोटी जगहें भी हमको फिलअप करनी है। देख सकते हो आप हम कैसे कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, ये जो लीव्स है वो मैं वापस आपको बताती हूँ कैसे करें। अगर आपको इतना हार्ड लगता है तो आप सबसे पहले ऐसे करें, फिर ऐसे कर लें। आई समझ में बात? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके गॉट इट। ये ड्रॉ करने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। थोड़ी बड़ी वाली फिलिंग्स लेंगे। वो छोटी थी, ये थोड़ी लंबी सी है, देख सकते हो आप। ये हो जाने के बाद हमेशा याद रखना है, ये जो स्मॉल स्मॉल आपको जो आर्के दिख रहे हैं, मैं जो अभी ड्रॉ कर रही हूँ, जिसको ये परफेक्ट में आ गया वो समझ लो कि मेहंदी में एक्सपर्ट। तो याद रखे कि ये बेस्ट है। हम यहाँ पे चेक्स लेंगे, तो कोन को हमेशा उचक उचक के ही लोगे तभी स्ट्रेट जाएगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग बुक लेकर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब फिर हम ये कोने से ये कोने तक लेने लेंगे। हमें शायद अगर उसको कोने से कोने तक लेने की कोशिश करें। ओके, अब समझ आ रहा है आपको मैं क्या कर रही हूँ? ठीक है, अब मैं फिलअप बाद में बताऊँगी आपको कैसे करना है। ये मैंने लीव्स ली है, आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट ये मैंने लीव्स ली है। देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको मैं कैसे ले रही हूँ? फिर उसके अंदर से मैंने ऐसे गॉट इट। कुछ भी हार्ड नहीं है, आप मेहनत करोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है, सीरियसली। अब ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पे हम प्रेस करना है। आपको क्या करना है, प्रेस 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 प्रेस। आप जब तक प्रेस नहीं करोगे वो निकलेगा नहीं और ऐसा बनेगा नहीं। तो याद रखना, यहाँ पे आके प्रेस करे।
कोई भी बिगनर्स ये ड्रॉ कर सकता है, इतना हार्ड नहीं है। ये हो जाने के बाद अगर आपको डॉट डॉट रखना है तो रख सकते हो बीच में, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, कुछ इस तरीके से दिख रहा है मेरा हाथ। चलो अब हम ये, मैंने इसलिए ड्रॉ किया है ताकि पूरे हाथ में भरा हुआ हो और बीच में थोड़ा स्पेस हो पैटर्न टाइप, तो कुछ अच्छा ही अलग ही लुक आता है। देख सकते हो कितना यूनिक लग रहा है, ऐसा कभी किसी ने ड्रॉ नहीं किया होगा। चलो अब हम ये फिलअप करते हैं। ये तो आपको इजी तरीके से आप खुद भी कर सकते हो, पर याद रखें सूख जाने के बाद ही करें तो बेटर रहेगा।